नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर घर में आ जाएं ये पक्षी तो आप हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आ जाने पर आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं, यहाँ तक कि गर्भवती महिला के लिए भी से अच्छा नहीं माने जाते हैं। ये कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों का आपके घर में होना बहुत ही अशुभ होता है। प्राचीन काल से ही लोग कुछ पक्षियों के घर में आने को शुभ और अशुभ मानते हैं। तो आइए आप भी जानें कि वो पक्षी कौन से हैं जो कि घर में आ जाने पर पूरे घर को ही कंगाल बना देते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो आपके घर में आने पर आपको मालामाल बना देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उस घर में माता लक्ष्मी के होने का सबूत है, ऐसे घर में कभी परेशानी नहीं आती है बल्कि खुशियों का तांता लगा रहता है। बर्बाद करने वाले पक्षी एक चमगादड़। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में चमगादड़ घुस जाएं, तो उस घर में बीमारियां, मौत, बर्बादी अपना बसेरा बना लेती है। वहीं अनेक लोगों का मानना है कि घर में चमगादड़ होने से परिवार टूटकर बिखर सकता है और उस घर में मनहूसियां छा जाती है। दो, कौआ। कौआ का बार बार घर में आना या आपके घर में घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं सपनों में कौआ का आना भी कई तरह के संकेत दे सकता है, जैसे सपने में कौआ की आवाज सुनाई देना या घर में कौआ बैठा देखना कहीं से समाचार आने का संकेत है। तीन, टिठरी। ऐसी मान्यता है कि टिठरी जिस दिन पेड़ पर या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो कहीं से भूकंप आने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि टिठरी हमेशा जमीन पर ही रहती है और जमीन पर ही अपने अंडे देती है। इनका घर में अचानक बैठना अच्छा संकेत नहीं होता है। चार, डॉट उल्लू। अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार एक ही दिशा में चिल्लाता रहता है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक दो बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियां आती हैं और उल्लू का बार बार घर में आ जाना बर्बादी का लक्षण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।